शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। खाना लगाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी है। और थोड़े देर नहीं आते तो खाना यहाँ नहीं मिलता। मैं खाना डिस्पेंसर में भेज रही थी, तुम्हें तो मरीज मिलने के बाद होश ही नहीं रहता। क्या हालत बना रखी है? क्या करूँ कविता, तुम्हें तो मालूम है इस 40 मील के इलाके में मैं ही डॉक्टर हूँ। चलो हाथ धो लो। आज डमरू की माँ आई थी, पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी तुम इंसान नहीं भगवान हो। मैं जो भी कुछ कविता, तुम्हारी वजह से तो हूं, तुम न होती तो। ऐसा क्यों नहीं कहते कि अगर ये नहीं होता तो हम लोगों का क्या होता? इसे कैसे भूल सकता हूं, एक एक दिन गिन रहा हूं उसके लिए। आज चिट्ठी आई है, बस 6 महीने तो रह गए हैं। हाँ, अभी भी 6 महीने बाकी हैं। चलो खाना खाओ। खाना भेज दिया स्कूल? हाँ भेज दिए। डॉक्टर साहब। क्या है रे? दुखिया को फिर से उल्टी शुरू हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। साथ खाना खाना अपनी किस्मत में नहीं है, मुझे टिफिन दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। तुम खा लेना। Thank you.
तो कट गए, मगर ये आखिर के 6 महीने ये बड़े कातिल हैं, काटे नहीं कटते। एक एक दिन एक एक बरस लगता है, बस यही सोचता रहता हूं कि तुम लोगों से कब मिलूंगा। सब एक सपना सा लगता है। यादें हम कैसे मिले थे, कल ही की तो बात है। प्रशांत और मैं डॉक्टर बनने के बाद छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। जानता है सुधीर, इंडिया के और सारे हिल स्टेशन तो अंग्रेजों की डिस्कवरी है, मगर कश्मीर मुगलों की डिस्कवरी है। अच्छा, जहांगीर ने ठीक ही कहा है, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। पर एक बात बता, इस लेक को डल लेक क्यों कहते हैं? मैंने तो आज तक इससे इंटरेस्टिंग लेक देखा ही नहीं। वाह वाह, जुल्फ बंगाल भी है, पंजाब की कुड़ी भी है। ए, तू यहां लड़कियां देखने आया है? अरे भाई, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गया। ये सब की सब एक दिन मेरे होने वाले पेशेंट की मां बनेगी। मगर चतुर्वेदी जी, आप तो गायनेकोलॉजिस्ट बन गए हैं, फिर ये लड़कियां छोड़कर पहाड़ वाड़ क्या देख रहे हैं? आ जाइए अपने सब्जेक्ट पर भाई। तू तो बस। आह, क्या बात है। चल तेरा डायग्नोसिस देखते हैं। बोल तो ये कहां की होगी? गुजरात की लगती है। गुजरात की? चले, हो ही नहीं सकती। क्यों? अरे भाई, जिस लड़की की चाल इतनी नशीली हो, वो ऐसे स्टेट से हो ही नहीं सकती जहां पर दारू बंदी हो। मुझे तो ये यूपी की लगती है। अरे, इतना नरम नरम चेहरा गुजरात के सिवा कहीं का हो ही नहीं सकता। चल, लगी तेरी मेरी सोचों की। लग गई, मगर फैसला कैसे होगा? मैं पूछ लेता हूं। अब ये शामत क्यों बुलवाता है, जूते लगाएगी? गले भी तो लगा सकती है। चल, मैं तो नहीं जाऊं। ठीक है, तू इधर ठहर, मैं आता। सुधीर, सुधीर। नमस्ते। नमस्ते। मैं यहां बैठ सकता हूं? बैठिए। आप यहां घूमने आई? छे, मैं भी क्या अजीब सवाल कर रहा हूं। आदमी यहां घूमने नहीं आएगा तो क्या फुटबॉल खेलने आएगा? वैसे आप रहने वाली कहां की? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर सुधीर राय। बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में चिल्ड्रंस वार्ड में काम करता हूं। और वो जो है ना, वो जिसने मुंह फेर लिया, वो मेरा दोस्त है, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, गायनेकोलॉजिस्ट है। दरअसल हुआ ये कि हम दोनों में एक शर्त लग गई है, 100-100 रुपए। मैं कहता हूं कि आप यूपी के हैं, प्रशांत कहता है कि आप गुजरात के हैं, हम दोनों में से कौन ठीक है? आप दोनों ही गलत हैं, मैं महाराष्ट्र की हूं। तत तेरे की। डॉक्टरी में तो हम दोनों कभी कामयाब नहीं हो सकते, इतना रॉन्ग डायग्नोसिस। तत, कहां गुजरात, कहां यूपी और कहां महाराष्ट्र। इतना मायूस मत होइए, आपका डायग्नोसिस थोड़ा सा तो ठीक है। वो कैसे? दरअसल पिताजी की रिटायरमेंट के बाद हम लोग खंडाला में रहने लगे। अच्छा। वैसे दो पुरखों से हम लोग यूपी में ही रहते। अरे, तब तो आप यूपी वाली हुई। वाह वाह, मेरा भी जवाब नहीं। ए प्रशांत, इधर इधर। हाँ हाँ, इधर। देखिए, मेरा तो परिचय हो चुका, लेकिन आपका परिचय नहीं हुआ। मेरा नाम कविता गोयल। हाँ हाँ प्रशांत, ये मिस कविता गोयल है। नमस्ते। यूपी की रहने वाली है। चल, 100 रुपए निकाल। बिल्कुल मत दीजिए, हम दो पुस्त पहले यूपी में रहते थे। चलिए ठीक है, 100 रुपए नहीं, 10 रुपए तो बनते हैं ना। चल, 10 रुपए निकाल। ठीक है, ले लेना। कैश अभी चाहिए एकदम। अच्छा भाई, चल चल निकाल। दे रहा हूं ना, सफर कर। नमस्ते। नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सुधीर राय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये है डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, गायनेकोलॉजिस्ट। और ये है मिस कविता गोयल। और ये है डॉक्टर राम नारायण गोयल, मेरे पिताजी। I'm sorry. आप भी डॉक्टर हैं? पर आप जैसा डॉक्टर नहीं, मैं साहित्य यानी लिटरेचर का डॉक्टर हूँ। अरे बाप रे, क्यों? यही एक सब्जेक्ट है जिससे मैं डरता हूँ। सब्जेक्ट से ही डरते हैं ना, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो हमें इजाजत दीजिए, हमें अभी पहलगाम जाना है। जी, हम भी सुनमुख के लिए निकल ही रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। हाँ वेट, चलिए।
चल सुधीर, सोनमर्ग के लिए तैयार हो जाए, गाड़ी का भी इंतजाम करना है। अरे सोनमर्ग कौन जाएगा उल्लू? तो पहलगाम, पहलगाम चलते हैं। पहलगाम? अरे पहलगाम तो भी 7 दिन रहकर आए हैं। अच्छा वो जा रही है ना, इसलिए तेरा फ्यूचर ब्राइट है भाई, पहली बार जिंदगी में सही डायग्नोसिस किया। आप यहीं ठहरिएगा, हम अभी आते हैं। चल प्रशांत। नमस्ते कविता जी। नमस्ते। अरे आप लोग तो सोनमर्ग जाने वाले थे ना? हाँ जाने वाले थे, लेकिन प्रशांत ने पकड़ ली कि पहले पहलगाम चलो। क्या कहा था तुमने प्रशांत? हाँ पहले पहलगाम फिर कोई और काम, कविता लिखता है ना, इसलिए सोचा पहलगाम भी तो देखना ही है, चले चलते हैं। सुनिए जी, मेरे पिताजी को बुलाइए और इनके लिए 2 कप चाय। अच्छा, अरे साहब आप लोग फिर वापस आ गए? हाँ हाँ वापस आ गए, तो क्या आप जाइए चाय लेके आइए, हम लोग बैठे थे। जी आप बैठिए। आओ प्रशांत बैठो। इसका मतलब यह है कि आप लोग पहले भी आ चुके हैं? देखा प्रशांत, इसीलिए मैं कहता हूँ झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अरे तू सच कब बोलता है? हाँ ये भी सच है। अच्छा कविता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ बार बार आना चाहिए? हाँ वो तो है। तभी तो। अच्छा एक बात आपको मालूम? प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले, इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सबके सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे, एक कश्मीर ही है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई मुगलाई खाना। नेम सब जल्दी चलिए, बाबूजी की तबीयत कुछ खराब लग रही है। चलिए हम लोग देखते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, बस आराम की जरूरत है। 7 दिन तक हम आपको सफर नहीं करने देंगे। 7 दिन? देख तो, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 17 तारीख को तो कविता का पहला प्रोग्राम है रेडियो पर। बच्चों जैसी बात मत कीजिए, मैं तार भेज देती हूँ। सुनिए आप क्या रेडियो पे कोई भाषण देती हैं? भाषण नहीं भाई, गाना गाती है गाना। अच्छा बड़ी टैलेंटेड है आपकी बेटी। हाँ लेकिन मैं भी कमाल का बाप हूँ, बीमार पड़ के इसकी छुट्टियां भी खराब कर दी, अब घूम फिर भी नहीं सकती बेचारी। घूम फिर क्यों नहीं सकती? आपको हुआ क्या है? देखिए जब मैं आपके साथ बैठकर बकबक करूंगा ना तो ये दोनों घूम फिर आएंगे, जब प्रशांत आपके साथ बैठेगा तो मैं और वो घूम फिर आएंगे, फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम सब घूमने फिरने लगे। क्यों कैसा रहा नुस्खा हमारा? हाँ भाई नुस्खा तो बहुत अच्छा रहा। सचमुच भगवान की दया है जो आप लोग मिल गए, वरना इस प्रदेश में पिताजी की ऐसी हालत न जाने मैं क्या करती। नहीं ऐसी कोई खास बीमारी तो नहीं, वरना मैं उन्हें छोड़कर आपको लेकर घूमने थोड़ी आता। और फिर हम लोग समाज में रहते हैं, मुसीबत में मदद के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। हाँ कोई ना कोई तो मिल जाता है, पर उस कोई ना कोई का डॉक्टर होना और अपना सब काम काज छोड़कर मुसीबत के समय। कविता जी समय वो पल है जिसमें एक अजनबी से मोड़ पर उधर से आता अजनबी इधर से आते अजनबी को देखकर रुक जाए और सोचने लगे कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहले भी मिल चुके हैं। अरे आप तो कवि हैं, ये डॉक्टर कैसे बन गए? जी सुधीर और मैं बचपन से एक साथ पढ़ते आ रहे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहता था तो मैं भी। बड़ी गहरी दोस्ती है आप दोनों की। जी हाँ बिल्कुल धार्मिक कहानियों जैसी, लोग तो हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं। आप भी प्रशांत जी की तरह कविता लिखते हैं क्या? कविता? अच्छा तो मौका मिलते ही उसने आपको भी कविता सुनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, कितनी अच्छी कविता लिखी उन्होंने डल लेक पर,
चांद उतरता है पहाड़ों से दबे पांव यहाँ, और इस झील में लोग थूकते हैं बलगम और धोते हैं मैले कपड़े और बर्तन। देखिए कविता जी, आपका नाम कविता इसलिए कविता के खिलाफ कुछ नहीं कहूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चांद के पांव किसने देखे, इसलिए वो दबे पांव किस तरह उतरता है ये मुझे कैसे मालूम। ये तो एक उपमा है, एक मिसाल है। अगर झूठी मिसाल देने से कविता बनती है तो बनने दीजिए। दूर सुनसान से साहिल के करीब एक जवां पेड़ के पास, उम्र के दर्द लिए वक्त के मिटियाले निशान, बूढ़ा सा चीड़ का एक और भी है पेड़ खड़ा। सैकड़ों सालों की तन्हाई के बाद छुप के कहता है जवां पेड़ से, यार सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो। माफ कीजिए देवी जी, कविता लिखना मुझे बिल्कुल पसंद है। कविता पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ समझ में नहीं आता तो अच्छा कैसे लगेगा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कहिए कहिए ना। कविता लिखना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कविता देखना बहुत अच्छा लगता। देखिए लगता है मैं बहुत जल्द आपको बोर करने वाला हूं, इसलिए बक बक बंद की जाए और एक गाना हो जाए। गाना? हाँ, आज 17 तारीख भी है, आज आपका रेडियो पर प्रोग्राम होना था इसलिए। मगर गाना है यहाँ? हाँ, अरे चार दीवारी के अंदर गा सकती है, यहाँ नहीं गा सकती? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां माइक्रोफोन होता है और यहाँ। चलिए माइक्रोफोन खड़ा हो गया आपके सामने। Eat.
प्रशांत क्या लिख रहा है? कुछ नहीं, वो फोटोज डेवलप होके आए थे ना, देख रहा। अरे फोटोज बाद में देखना, पहले चल के पैकिंग कर ले। चल। कविता जी, समय वो पल है जिसमें भाई, अरे जल्दी कर, चाचा जी इंतजार कर रहे हैं। अरे ये देख अपने नए टेलर की करतूत, ये शर्ट बनाई है तंबू। अबे ये तंबू इस लंबू का है, नजर नहीं आया आपको? अरे तेरी शर्ट है। खंडाला पहुंचने से पहले आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। अरे दिल को जरा काबू में रख भाई, वैसे तेरा कसूर भी क्या है, लड़की है ही ऐसी, तू क्या कोई भी देखे तो चक्कर खा जाए। वाह वाह, बनाने वाले ने भी चुनके चीज बनाई है। चल तू तैयार हो जा, मैं चलता हूं। मॉर्निंग चाचा जी। आओ रामलाल आओ, आज का पेपर पढ़ा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा। दवा खाई आपने? अरे सुन तो सही, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वक्त पे दवा खा लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ला बाबा ला लीजिए। अरे रघु, अरे रघु चल नाश्ता ला। लखनलाल कहां है? तैयार हो रहे हैं। क्या बात है, तू भी तैयार दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह क्या प्रोग्राम है भाई? जी वो जरा खंडाला जाना था, वो अपने गोयल साहब है ना, वो गोयल साहब। गोयल साहब की तबीयत तो अब ठीक है सुना है? जी हाँ ठीक है। खंडाला सेहत के लिए अच्छी जगह है। हाँ जी हाँ, पोल्यूशन तो वहाँ है ही नहीं, हवा ताजी है और फिर पानी भी वहाँ का। गोयल साहब की लड़की का नाम क्या है, सीता या उर्मिला? अरे साफ साफ बताना, खंडाला किसे ज्यादा पसंद है, तुझे या प्रशांत को? प्रशांत, प्रशांत को चाहिए जी। तो फिर लड़की का नाम उर्मिला है। अब उर्मिला कहिए या कविता, एक ही बात है। पकड़ लिया ना आपने, हमें तो मालूम था एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। आफ्टर ऑल आप जैसे एक्सपीरियंस मैजिस्ट्रेट की आंखों में कब तक धूल झोंक सकते हैं, हम तो बच्चे हैं आपके साथ। देख सुधीर, प्रशांत ने तो अपनी उर्मिला ढूंढ ली, अब तू भी अपनी सीता ढूंढ ले। जल्दी से तुम दोनों की शादी कर दूं, फिर तुम दोनों स्टडी करने के लिए अमेरिका चले जाओ और मैं यहाँ आराम से रहूंगा, दो दो बहुएं सेवा करेंगी। हाँ चाचा जी, मुझे अपनी सीता ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैं अमेरिका नहीं जा रहा। क्यों? फिर वही बात, आपको तो मालूम है कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन गया हूं, अमेरिका जाकर मैं क्या करूंगा, वहां के बच्चों का प्रॉब्लम है ओवर न्यूट्रिशन, ओवर मेडिकेशन, यानी ज्यादा दवाई ज्यादा खाना, प्रॉब्लम तो इस देश में है, यहाँ के बच्चों को तो खाना ही नहीं मिलता है। प्रशांत गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, आप उसे वहां जाने दीजिए। सुधीर मैं चाहता हूं। चाचा जी इस सुप्रीम कोर्ट का जज मैं हूं, मैंने जो जजमेंट दे दिया तो दे दिया, बस दी एंड, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। चलिए नाश्ता कीजिए। कविता 27 साल की हो गई राम नारायण, कुछ तो फिक्र करो, जवान जहान लड़की दो दो जवान लड़कों के साथ हंस रही है, बोल रही है, घूम रही है, फिर घूमने दो दीदी, प्रशांत और सुधीर लफंगे थोड़ी हैं जो फिक्र करूं। मैंने तुम्हारे जैसा बाप नहीं देखा, कान पे जूही नहीं रंगती। जू जू कहां से आएगी दीदी, बाल ही नहीं है। तुम तो ये बताओ कि दोनों में तुम्हें कौन पसंद है? पसंद का सवाल ही क्या है, सुधीर को तो प्रशांत के पिता ने पाल लिया है, ना बेटा है ना दूर पास का रिश्तेदार, प्रशांत तो इकलौता बेटा है। अरे आइए ना, डॉक्टर सुधीर साहब कहाँ हैं? हाँ तो हम दोनों ही रहे थे, रास्ते में एक ट्रक के नीचे एक बच्चा आ गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? चोट तो ज्यादा ही आई है, सुधीर उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और मैं यहाँ आ गया, कुछ बातें करनी थी आपसे। अंकल कहाँ हैं? सुधीर जी को चीकी बहुत पसंद है ना, इसलिए वो लाने के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, पता नहीं ये बातें कैसे की जाती हैं, कुछ दिनों बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ हायर स्टडीज के लिए,
मैं चाहता हूं कि जाने से पहले शादी हो जाए। इस तरह अचानक ये बात छेड़ दी, शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं आपके मन की बात जानता हूं। आप हाँ कर दीजिए तो आपके पिताजी से बात करूं। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि आप किसी नालायक के हाथ में नहीं पड़ेंगी। सुधीर जैसा पति, सुधीर जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। वो खरा सोना है कविता जी, बिल्कुल खरा सोना। फिर क्या, डॉक्टर माथुर ने उस बच्चे की कट से दोनों टांगे काट दी, अब वो बच जाएगा। लेकिन मैं अगर डॉक्टर माथुर की जगह होता ना, तो ऑपरेशन टेबल पे ही उस बच्चे को मार डालता। क्या कह रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए आप? ठीक कह रहा हूं मैं। अरे गरीब का बेटा है, दो टांगों समेत तो जिया नहीं जाता गरीब से, बिना टांगों के कैसे जिएगा? लेकिन गरीब हो या अमीर, जिंदगी तो दोनों के लिए बराबर है ना? नहीं मिस कविता गोयल, एक अमीर जब मरता है तो पीछे सुख चैन छोड़कर जाता है, लेकिन एक गरीब जब मरता है तो दुख दर्द छोड़कर जाता है। अगर कोई नजदीक से न जाने तो समझे आप कितने कठोर हैं। कठोर मैं? अजी मैं क्या खा के कठोर बनूंगा, कठोर तो हैं आप। मैं? और नहीं तो क्या, एक बेचारा आपके प्यार में डूबा हुआ है और आपको फिक्र नहीं है उसके बारे में। सुनिए कविता जी, आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आप शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखिए ऐसा लड़का आपको कहां मिलने वाला, डॉक्टर है, न शराब पीता है न सिगरेट पीता है, बाप का इकलौता बेटा है, अमेरिका जा रहा है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रशांत के बारे में, और किसके बारे में? अब देखिए विदेश जा रहा है पढ़ने लिखने, आपके विरह में कहीं वो इम्तिहान में लटक गया तो? अजीब लोग हैं आप दोनों, आज आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं और कल वो आपके कर रहे थे। मेरी सिफारिश? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। अपनी शादी की बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी उल्लू की, इसलिए मेरे बारे में शुरू हो गया। लेकिन मैडम, प्रशांत को अच्छी तरह मालूम है कि ऑन मेडिकल ग्राउंड्स मैं शादी नहीं कर सकता। मेरा एक बड़ा भाई है जो पागल है, और भी एक बात है जो मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, मेरा एक लड़की के साथ बहुत पुराना चक्कर है। और भी कोई राज है आपकी जिंदगी में? जी हाँ, पुलिस की पुरानी फाइलों में आज भी मेरा नाम आपको मिल जाएगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड है मेरा। सुनना चाहेंगे? सुन सकेंगे? सुन लीजिए कविता जी, किसी से कह नहीं सका हूं ना, इसलिए मन भरा हुआ है, कह दूंगा तो शायद हल्का हो जाए। कह दीजिए। तो बाहर चलिए, कहानी बहुत बड़ी है, ये कमरा छोटा पड़ जाएगा। मां को मैंने बचपन में ही खो दिया, पिताजी एक मामूली स्कूल टीचर थे, घर में बस्ती नहीं प्राणी थे, पिताजी भैया और मैं, फिर भी घर नहीं चलता था, खाना एक ही वक्त मिलता था, रात को खा लिया तो दिन को नहीं, दिन को खा लिया तो रात को नहीं। भैया बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पिताजी यही आस लगाए बैठे थे कि एमए करने के बाद भैया हम सबके दुख दर्द दूर कर देंगे। उन्हीं दिनों हमारे शहर में एक नए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आए, उनका बेटा मेरी ही क्लास में आया, उसे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए पिताजी रखे गए। पिताजी ने इजाजत ले ली कि उनके साथ मैं भी जा सकूं, ताकि उसके साथ साथ मेरी भी पढ़ाई हो सके। वो मैजिस्ट्रेट थे। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए बैठिए। बेटा इधर देखो। उस दिन से मेरी एक नई जिंदगी शुरू हुई, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो बस 6 बजने का इंतजार रहा करता था, क्योंकि 6 बजे प्रशांत की माताजी हम लोगों के लिए नाश्ता लाया करती थी। ये लीजिए। रोज रोज इसकी क्या जरूरत? तो क्या हुआ, लो बेटा खाओ, लीजिए लो। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा। मगर नाश्ता खाते खाते मुझे उन लोगों से एक अजीब तरह की नफरत सी होती जा रही थी, उनमें और मुझमें इतना अंतर क्यों है?
प्रशांत धुली हुई शर्ट पहने कार में बैठकर स्कूल क्यों जाता है, जबकि मैं फटी कमीज में चप्पल चटकाता जाता हूं। उसी जलन की वजह से एक दिन मैंने प्रशांत की होमवर्क की कॉपी चुरा ली। 48,000 divided by 2 will come out to be equal to the result. और यहाँ पर 98,000 multiplied by 378 will get the answer. ठीक है? समझ गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक-एक करके सब अपने होमवर्क की कॉपी लाओ। प्रशांत, क्या हुआ? कॉपी मिल नहीं रही है सर। इसका मतलब ये कि तुमने होमवर्क नहीं किया? किया था सर। चुप। एक तो होमवर्क नहीं किया, ऊपर से झूठ बोलते हो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप। सुधीर, क्या है? ले, मार ले, जितना जी चाहे मार ले मुझे, मगर पिताजी को मत बताना। क्यों, डर गया क्या? माशे पिटाई करेंगे इसलिए? नहीं रे, मुझे पिटाई का कोई डर नहीं, लेकिन अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो मुझे तेरे घर ले जाना बंद कर देंगे, और पहले की तरह शाम को मुझे नल का पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। प्रशांत ने मुझे माफ कर दिया। शाम को उसी तरह पिताजी के साथ उसके घर जाता रहा, उसी तरह नाश्ता मिलता रहा। फिर एक दिन प्रशांत के पिताजी का ट्रांसफर हो गया, मेरे पिताजी का भी ट्रांसफर हो गया। ऊपर मुसीबत सचमुच कभी अकेली नहीं आती। भैया अचानक पागल हो गए, मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरे सामने बस दो ही रास्ते रह गए थे, या तो भीख मांगकर पेट भरूं या छीन के। मुझे लगा जिसके पास कुछ नहीं है उसे बिल्कुल हक है उससे छीन लेने का, जिसके पास जिंदगी में जरूरत से ज्यादा है। मैंने एक गैंग ज्वाइन कर लिया और चोरी राहजनी करते हुए एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा। ये ले। माफ करना बाबूजी, अंधा हूं मैं, जरा रास्ता पार करवा देंगे? कहां जाना है? तेली गली। आओ मेरे साथ। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते भैया जी। जरा संभल कर, सामने फुटपाथ है, होशियारी से। बस बाबूजी, अब मैं खुद चला जाऊंगा। भगवान आपका भला करे बाबूजी, आपके नाती पोते सुखी रहें। सिनेमा देखकर तरकीबें सीखते हो बच्चों, आज सबके सब पकड़े जाओगे। ये ले, कितना वाला है? पता नहीं। ले, ये क्या? सिर्फ 10 रुपए? और कितने लेगा? अरे इतने सारे रुपए, कम से कम 50 रुपए तो दे। अबे जो मिलता है चुपचाप ले ले, वरना 50 रुपए की जगह 50 हाथ लगाऊंगा। 50 रुपए तेरे बाप ने भी देखे थे, भिखारी की औलाद साले। मेरा बाप भिखारी नहीं था। भिखारी नहीं तो क्या मिनिस्टर था? अबे भिखारी का बेटा ना होता तो इस तरह पगड़े मारते थोड़ी फिरता। अगर फिर मेरे बाप को भिखारी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा कालिया। अबे तू भिखारी, तेरा बाप भिखारी, तेरे बाप का बाप भिखारी। ले चलो। वहां से पुलिस पकड़ के ले गई,
पहले अस्पताल फिर कोर्ट। कोर्ट में जाते ही मैं चौंक उठा क्योंकि मैजिस्ट्रेट थे, फिर उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया। लीजिए यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। चलो बेटा घर चलो, अब तुम हमारे साथ रहो। काम क्या करना पड़ेगा? काम? काम तो करना पड़ेगा, तीन काम करने पड़ेंगे। खेलने के वक्त खेलना, खाने के वक्त खाना और पढ़ने के वक्त पढ़ना। उन्होंने मुझे प्रशांत के साथ स्कूल में दाखिल कर दिया। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद मेडिकल कॉलेज। प्रशांत और मैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी। लेकिन मेरे पीछे जो कलंक था वो तो वहीं रह गया ना। एक क्रिमिनल बैकग्राउंड, भाई पागलखाने में। मेरा कोई रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड नहीं है मैडम, बड़े पाप किए हैं मैंने। मैं शादी नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रशांत से शादी कर लीजिए। मैं उनसे शादी करूं या ना करूं इससे आपको क्या लेना देना? एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं अपने दोस्त की शादी करवा दूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपने उससे शादी न की तो मैं आपको जबरदस्ती उठा कर ले जाऊं। और अगर मैं हां कह दूं तो मुझे प्रशांत से भी ज्यादा खुशी होगी। जा लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं, लीजिए ना। बैठो तो सही, तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या? सुधीर तो जा नहीं रहा है, मैंने सोचा मैं भी अपना अमेरिका जाना कैंसिल कर दूं। सुधीर क्यों नहीं जा रहा है उसने अपनी वजह बता दी, लेकिन आपके ना जाने की वजह क्या है? मेरे ना जाने की वजह तुम हो। देखिए आप 20 साल के लड़के तो नहीं, डॉक्टर हैं, और पिताजी चाहते हैं आप और भी बड़े डॉक्टर बने, इसलिए ये सब ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। तो एक काम करूं, सुधीर से कहूं कुछ तिकड़म लड़ाए और पिताजी से कह के तुम्हें मेरे साथ अमेरिका भेज दे। बिल्कुल नहीं, पिताजी यहाँ अकेले रहेंगे क्या? क्यों अकेले क्यों, सुधीर रहेगा ना उनके पास। अरे लेकिन सुनो तो, आज आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। जीते रहो बेटी, जीते रहो। ये रोज रोज का प्रणाम नाम करना बंद करो, अपने आप को बेटी समझो इसका की। हाँ, और प्रशांत को समझो घर जमाई। ये जो प्रणाम नाम है ना चाचा जी, ये सब मस्का फाइंग है, अर्थात मक्खन लगाना। 7 दिन में ही आपको पढ़ा दिया ना, लेकिन मक्खन इस घर में सिर्फ टोस्ट पे लगता है मैडम। ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है? हाँ चलिए छोटा करके मैट कहूं। देखिए पिताजी। क्यों, भाभी कह के नहीं पुकार सकते? लक्ष्मण की बीवी को राम भाभी कहे, ये कौन से महाभारत में लिखा है चाचा जी बताइए? महाभारत नहीं, रामायण। हाँ हाँ रामायण रामायण। बात तो ठीक कहता है तू, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से प्रशांत से 20 दिन बड़ा है तू, दुल्हन कह के क्यों नहीं पुकारता? नहीं पिताजी। हाँ देखा, पहले ही ऑब्जेक्शन योर ऑनर हो गया। अच्छा अगर सखी कहकर पुकारूं तो कैसा रहे? वाह वाह, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को सखा और द्रौपदी को सखी कहा करते थे, उनकी रक्षा करते। मुझे मालूम था रामलाल तेरे अंदर भी एक कवि छुपा पड़ा है। मुझे भी यही लगता था, ये है एक नंबर के छिपे दोस्तों। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग लखनलाल। क्यों भाई तुम लोग हंस क्यों रहे थे? नहीं प्रशांत, तेरी वाइफ को आज मैंने एक अनोखा प्रेजेंट दिया। क्या? एक नया नाम, सखी। वाह, इसे कहते हैं कम खर्च वाला नशी। खर्च करने के लिए दिल चाहिए, दिल। करेक्ट।
मैंने तो अपना दिल सेफ डिपॉजिट में रख दिया भाई। आजकल चोरियां बहुत हो रही है ना, पता नहीं कब कोई चुरा ले। ये लो भाई, ये मेरी तरफ से भी एक प्रेजेंट। अरे खोल के तो देखो, लिफाफे में है क्या? तुमसे मतलब? अरे तुम्हारी तो हर चीज से मुझे मतलब है सखी। अरे ये क्या है? तुम लोग कश्मीर में मिले थे ना? हाँ। तो अब कश्मीर में जाकर हनीमून मनाओ। लेकिन तीन टिकट क्यों चाचा जी? इनके हनीमून में मैं क्यों जाऊं? ओहो, राम लक्ष्मण कभी अलग हुए हैं? वनवास में भी साथ साथ गए थे। अरे सखी, ये बुद्धि लेकर हम दोनों के बीच में मत आया करो, समझे? वो वनवास था या हनीमून है? ठीक है, फिर मुझे सखी कहके मत पुकारना। क्यों? शंकराचार्य मंदिर बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर है। खाने को क्या क्या है भाई? जो आप कहें सर, सैंडविच, समोसा, पकौड़ा। पकौड़ा, तीन प्लेट गर्मा गर्म पकौड़ा लाओ और तीन चाय, जल्दी हाँ, झट से। अम्मा यार, चाय भाई क्या? बियर मंगवाओ। बियर वियर छोड़ो यार, सीधी विस्की मंगवाओ। विस्की इस वक्त? बिल्कुल, कश्मीर में आके तो 24 घंटे नशे में रहना चाहिए। वेटर, ये विस्की की माँ तो खुद ब खुद चली आ रही है यार, क्या बात है। Hey, प्रशांत, वो पहाड़ी याद है? पहले हम लोग यही मिले थे। यही तो मैं फंसा था। एक बात तुम लोगों ने नोट की यार, आज कल की लड़कियां कितनी चालू हो गई हैं, एक छोड़ दो दो के साथ ऐश कर रही हैं। तो तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे जलन नहीं होगी यार, इधर तीन उधर दो, ये भी कोई बात हुई कि वो उधर हो और इधर ना हो। नए नए पैसे वालों के बिगड़े हुए बेटे हैं। अरे भौंकने दो पागल कुत्तों को, तुम क्यों कान देते हो? कान नहीं दूंगा सखी, सिर्फ हाथ दूंगा। अरे छोड़ ना यार। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। आप जरा एक मिनट। थैंक यू। कहां से तशरीफ लाए आप लोग? दिल्ली से। क्यों? नहीं, अच्छे खासे खाते पीते खानदान के मालूम पड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि आप सबके माँ बाप मर चुके हैं। क्या बक रहे हैं आप, हमारे माँ बाप सही सलामत है? नहीं, अगर आपके माँ बाप सही सलामत होते तो आप इतने बदतमीज ना होते। आप लोग तो डेफिनेटली अनाथ हैं। पकौड़े को हाथ नहीं लगाना, एक खा लेते। पकौड़ा वहीं रख दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। ये पकौड़ा तो मैं खा ही लेता हूं। भाई साहब इसे जरा पकड़िए, जाइएगा माता। आपने हम पे हाथ उठाया? हाथ उठाया, पैर उठा के दिखाऊं क्या? बदतमीज, हमारे सामने अमीरजादगी नहीं चलेगी, समझे? निकल यहां से। Come on, get out! ये लो, ये साड़ी तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अमेरिका मैं जा रही हूँ। अरे भाई मुझसे क्यों नाराज होती हो? ये साड़ी तो सुधीर लाया है तुम्हारे लिए। क्यों लाए साड़ी? कमाल करती हो, इंडिया में पहली औरत देख रहा हूँ जो साड़ी पाकर खुश ना हो। अरे सखी, प्रशांत जब अमेरिका चला जाएगा तो इस साड़ी के सहारे कुछ दिन तक तो उसकी विरह वेदना बर्दाश्त कर सकोगी ना? बकवास बंद करो और ये बताओ तुम अमेरिका क्यों नहीं जा रहे हो? यार प्रशांत, ये औरत का दिमाग जो है ना एकदम ग्रामफोन की सुई की तरह होता है, एक बार जहां फंस गई फंस गई, फिर वही रिकॉर्ड बार 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 बार। जानना चाहती हो अमेरिका क्यों नहीं जा रहा हूं? हाँ जानना चाहती हूँ। बैठ, यहां बैठ। देखो तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई। हाँ। और ये तुम्हें छोड़ के जा रहा है, ये तो तय है कि वहां तुम्हारे विरह की आग में ये जलेगा। अब जब जलेगा तो ये भी हो सकता है कि अपनी आग बुझाने के लिए वहां किसी मेम को गले लगा ले। क्या, क्यों, ऐसा कोई इरादा है क्या? इरादा तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या कहा जा सकता है। क्यों सुधीर? क्यों सुधीर क्या, अरे ऐसा ही होगा, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे ना? क्यों ना होंगे भाई, ये वहां किसी मेम को गले लगाएगा तो यहाँ गले लगाने के लिए मुझे ये सेकंड हैंड में मिल जाती है ना। बदतमीज, क्यों मुंह आता है भगवान? भगवान बचाए इसकी जबान से। आपको शर्म नहीं आती ऐसे मजाक में हंसते हैं? देखो कविता, ऐसा मजाक दो ही तरह के इंसान कर सकते हैं, एक तो वो जिनके मन में पाप हो और दूसरे वो जिनका मन बिल्कुल निष्पाप हो। सुधीर कैसा आदमी है ये भी बताने की कोई जरूरत है? अरे उसी के सहारे तो तुम्हें और पिताजी को छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर। अच्छा, तो वहां आपको कोई चिंता नहीं रहेगी? चिंता? किसी का इंतजार नहीं रहेगा? पोस्टमैन का भी नहीं? पोस्टमैन? अरे हाँ, अच्छा वादा करो तुम मुझे हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखा करोगी? नहीं, दो हफ्ते में एक। तो फिर तीन दिन में एक बार? अच्छा, हफ्ते में एक? नहीं, हर रोज एक। वादा करो। वादा करो। वादा करती हूँ। पिताजी, दवाई। ये एल्बम भी मजे की चीज होती है ना बहू, लोग, समय, यादें, सब कुछ जैसा के तैसा सामने। अब प्रशांत को देखे 10 महीने हो गए ना, लो यहां देखो, जन्म से लेके अब तक का प्रशांत मौजूद है। 2 ही मिनट में 40 साल देख लिया अपने जीवन के। आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं पिताजी, थोड़े ही दिन तो रह गए। और क्या, मैं ही तो सिर्फ उदास हूं, बाकी सारा घर तो बड़ा खुश है ना। बहू, उसके चले जाने से कैसा सन्नाटा छा गया है घर में, तेरी आवाज तो फिर भी सुनने को मिल जाती है, सुधीर ने तो बिल्कुल चुप साध ली।
अरे बेटे तुमको तो हमने बिस्तर से उठने से मना किया था। मेरा बुखार तो भाग गया, आपने बोला था ना कड़वी दवा पीने से बुखार भाग जाता है। देखो हमने सच कहा था कि नहीं कहा था। मगर मीना का बुखार क्यों नहीं भागा, वो भी तो कड़वी दवा पीती है। अरे कैसे नहीं भागेगा, चलो देखते हैं। मीना बेटे। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटे। देखें भाई तुम्हारा बुखार कुछ कम हुआ कि नहीं। अरे तुम्हारा बुखार तो बहुत कम हो गया है। मीना का बुखार भाग रहा है ना अंकल। पूरा का पूरा हाथी निकल गया, दुम रह गई। डरपोक कहीं का, दुम छोड़कर भाग गया। देखा आपने कड़वी दवा का कमाल। अंकल आपको कभी बुखार नहीं आता? आता है बेटा, कभी कभी मुझे भी आता है। तो आपको कौन दवा देता है? बेटा मुझे दवा देने वाला तो कोई नहीं। कोई नहीं, फिर तो मैं आपको दवा दूंगा। आप हमसे इलाज करवाएंगे ना? क्यों नहीं करवाएंगे भाई। तो ये मुझे दीजिए। ये लीजिए। जरा लंबी सांस लो बेटे, लंबी सांस लो। जरा आंखें दिखाओ बेटे, जरा जीभ दिखाओ बेटे, जीभ दिखाओ। ऐसे नहीं, पूरा मुंह खोल के। अले अले, हमारे बेटे के मुंह में तो साले दांत आ गए। सर, मिसेस चतुर्वेदी का फोन है, अर्जेंट। बेटे, नीरो। लाओ बेटे। हेलो। हाँ, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ सर? चाचा जी, लगता है उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, एंड दिस इज द फोर्थ वन। बहुत तकलीफ हो रही है ना पिताजी? मैंने सुधीर को फोन किया है, आता ही होगा। नहीं बहू, लग रहा है इस बार डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। पिताजी ज्यादा मत बोलिए प्लीज। बोलने दे बहू, बोलने दे। देख बुरा मत मानना, प्रशांत तेरा पति है पर मैं उसका बाप हूं। तू एक साल से जानती है उसे, मैं जन्म से जानता हूं। थोड़ा कमजोर है, बोझ पड़ने पर टूट सकता है, इसलिए जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो सुधीर पर भरोसा रखना। चाचा जी। सुधीर आ गया, तू तुझसे कुछ बातें करनी है। आप चुपचाप लेट रहिए, पहले मेरी बात तो सुन ले बेटे। वचन दे के प्रशांत को खबर नहीं देगा, सिर्फ 6 महीने रह गए हैं उसकी पढ़ाई खत्म होने में। चाचा जी आपको मालूम है इन बातों से कितना गुस्सा आता है मुझे, पहले ठीक हो जाइए फिर जो कुछ सुनाना है सुनाइए। मैं डॉक्टर कपूर को फोन करता हूँ। फोन तो डेड है, अभी भी तो चल रहा था। मैं डॉक्टर कपूर को लेके आता हूँ। सुधीर सुन तो, अरे सुन तो, चला गया। वो ऊपर से जितना हंसता खेलता दिखता है, अंदर से उतने उदास से दुखी है। इसकी देखभाल ठीक से करना। जब मैं इसे कर लाया लोगों ने कहा इससे तो अच्छा है कचरे में पड़े कुत्ते को पाल लो, वफादार रहेगा, अगर कचरे में पड़े इंसान को मत पालो, एक दिन ठोकर मारेगा, क्योंकि तुम उसकी पैदाइश के राज को जानते हो। पर मैंने नहीं माना, और वाले से थे वाह, उसने भी क्या निभाया मेरे विश्वास को। वहां थे सास की तस्वीर पड़ी है, वो तो लाते पिताजी।
सुधीर, हमें आधे घंटे की देरी हो गई, सॉरी। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? डॉक्टर इब्राहिम के यहाँ, वो इजराइल माइग्रेट कर रहे हैं ना, सोचता हूँ उनका नर्सिंग होम खरीद लूँ। नर्सिंग होम? हाँ सुधीर, मैं यूं जीना नहीं चाहता। यूं? अब एक चीज मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, हमारे प्रोफेशन में आगे बढ़ने का रास्ता सीधा नहीं है, टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा। बोलते जाओ। जरूर बोलूंगा। अमेरिका से इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया, क्या मुझे नौकरी मिली? क्या मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाया? इतनी जल्दी में क्यों? जल्दी में हूं सुधीर, इसलिए कि हमारे मुल्क में एक आदमी को 10 रुपए को 11 रुपए बनाने में जिंदगी खप जाती है, लेकिन 10 लाख को 11 लाख बनाना बाएं हाथ का खेल, और वही खेल मैं खेलना चाहता। अगर हमारा एक बड़ा सा नर्सिंग होम हो जाए और तमाम जाने माने डॉक्टरों को हम कमीशन दे सके, तब समझोगे तरक्की क्या होती है। टेले बनाओ। नहीं। प्रशांत एक बात बता, तरक्की करने का क्या यही एक तरीका है? हाँ, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो जो तरीका सामने आए वही सही है। पिताजी ने मुझे अमेरिका किस लिए भेजा था? बड़ा डॉक्टर बनने के लिए ना, मरते वक्त मैं उन्हें देख भी नहीं पाया, लेकिन मैं उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रूक। एक मिनट, यानी वहां तू इन्हीं सेंटिमेंट्स में मरेगा। मरना तो है ही एक दिन, बीमारी में मरने के बजाय सेंटिमेंट्स में क्यों ना मरूं? खैर, मरने जाने की बात छोड़, ये बता कि डॉक्टर इब्राहिम का नर्सिंग होम खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये घर बेच दूंगा। पुरखों का मकान बेच देंगे? जब पिताजी नहीं रहे तो मकान का क्या होगा? क्यों सुधीर? तुम्हारी मर्जी भाई। मेरी अकेली मर्जी से क्या होगा? पिताजी अपनी जायदाद में आधे का हिस्सेदार तुझे भी बना गए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, करना क्या होगा? बस एक सिग्नेचर। अपने सेठ को ये चिट्ठी और चेक दे देना और कहना कि 2 दिन के अंदर अंदर फर्नीचर आ जाना चाहिए। सखी, ओ सखी। अरे वाह, फर्नीचर वगैरह सब आ गया है? शैनी ले संभाल। पसंद आया? हाँ, फर्स्ट क्लास। चलो अपना कमरा भी देख लो। एक मिनट, मेरा कमरा? देवी जी, मैंने तो आपसे कह दिया था ना कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बाजू में मैंने अपना फ्लैट ले लिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकते? पूछ सकती हैं, पूछ सकती हैं, पूछे। देखो सुधीर, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। हाय प्रशांत, तुम्हारी पत्नी सुंदर जरूर है, लेकिन यहाँ जरा, अरे सखी, हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से? 16 किलोमीटर। अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते रोगी, और अगर जल्दी की तो ये बॉम्बे है, सारी सड़कें खुदी हुई, उबड़ खाबड़ जगह है, एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर गया।
प्रशांत देख, अपनी पत्नी से कह मुझे इस तरह ना देखा करे, मैं कमजोर पड़ जाता हूं, मेरा दिल धुकुर धुकुर करने लग जाता है। मैं बोल रहा हूं मैं उसे उठा के ले जाऊंगा, संभाल ले, तेरा बसा बसा कर उजड़ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा तेरा। अरे सत्यानाश तो मेरा हो ही गया है। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो सखी, मैंने तुमसे कहा ना मेरे 4-5 चक्कर चल रहे, प्रशांत जब बैचलर था तो ठीक था, अब उसकी बीवी के सामने मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चरित्रहीन जरूर हूँ लेकिन आंखों की शर्म भी तो कोई चीज होती है। जाता हूँ, हॉस्पिटल जाना है। अरे अरे सुन तो, अरे भैया बाहर टैक्सी खड़ी है, मीटर चल रहा है। आजकल ही मेरा खून जलने लगा है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा भी रहा है। Yes. May I speak to Dr. Agarwal? Yes, speaking. Good morning, Dr. Agarwal. Good morning. मैं नंदिनी मल्होत्रा बोल रही हूँ, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी की पीए। बस आपको याद दिलाने के लिए ही फोन किया था कि अगले शुक्रवार को नर्सिंग होम का ओपनिंग सेरेमनी है और डॉक्टर चतुर्वेदी का गृह प्रवेश। उन्होंने कहा है कि आप दोनों का आना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चाय। थैंक यू सुशीला। सब फोन हो गए? सब कहाँ? 16 फोन करने में 64 बार तो उंगली घुमानी पड़ी, उंगली का भुरता निकल गया। क्यों इतने एंगेज थे क्या? एंगेज कहाँ, बस रॉन्ग नंबर। गुड मॉर्निंग सुशीला जी। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग सर। बैठी बैठी सबको दोबारा याद दिलाती है ना, बस 3-4 फोन बाकी है। सुशीला जी। यस सर। डॉक्टर दुबे और डॉक्टर रहमान से कहिए मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में आ रहा हूँ, जो नई मशीनें आई है ना उन्हें देख लेते। ओके सर। और मैंने फोन कर दिया? यस सर, ये फोन मैं अभी कर देती हूँ। आ सुधीर। सुधीर ये है हमारी पीएम मिस मल्होत्रा और ये है हमारे पार्टनर डॉक्टर राय। जी हाँ, लेकिन पार्टनर सिर्फ मुनाफे में, इनके असली पार्टनर तो ये है मिसेस कविता चतुर्वेदी, ये है मिस मल्होत्रा हमारी प्रिय। क्या कहा? हमारी प्रिय मेरा मतलब पीए, पीए मिस मल्होत्रा। मैंने आपको कहीं देखा है? करेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी आपको कहीं देखा हुआ। आपने मुझे कहाँ देखा ये तो नहीं मालूम, पर कविता जी और मैं सोफिया वुमेन्स कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, ये मुझसे 2 साल सीनियर थी। मैं तो इन्हें वुमेन्स कॉलेज से जानती हूँ, तुम इन्हें कैसे जानते हो? क्या तुम भी वुमेन्स कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं नहीं, मैं वुमेन्स कॉलेज में कैसे पढ़ता, थोड़ा सा आवारा था ना, वुमेन्स कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करता था, शायद वही देखा हो। तुम भी तो, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, जो मुंह में है बक देता है। चलो ऑपरेशन थिएटर में चलती हूँ। अरे कुछ तो इंटरेस्ट ले नर्सिंग होम में, चल। इंटरेस्ट ही तो ले रहा था यार, चलो सखी। आपकी सब चीजें रेडी हो गई तो आप लिस्ट पढ़िए, मैं चेक करता हूँ। अच्छी बात है। पोलिट्स यस, बॉनविटा यस, फोर्टिनेस यस, एस2 यस, यस यस यस। माफ कीजिए, आप क्या हिंदी पिक्चरें ज्यादा देखते हैं? नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी आवाज सौरभ मोदी से दिलीप कुमार होकर बिल्कुल साइलेंट पिक्चर हो गई। लाइए लिस्ट मुझे दीजिए, आप चेक कीजिए, मैं लिस्ट पढ़ता हूं। अच्छी बात है। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, प्रोटीनेक्स, एस्प्रो, एनेसिन, बेनेड्रिल, वाटर बेस्ड कंपाउंड, विम ग्राम, विकोसूल, सुरबेक्स टी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर? यस। पेशेंट क्या बहुत ज्यादा सीरियस है? वो तो डॉक्टर ही जाने, लेकिन इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राय। मॉर्निंग। आपकी सब दवाइयां मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दी। थैंक यू सो मच। सुधीर। क्या पागलखाने के डॉक्टर बन गए हो? अरे नहीं भाई, मैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। यानी कि बच्चों के डॉक्टर? हाँ। तब तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यस डेफिनेटली। देखिए जरा आप ये दवाइयां बांध दीजिए प्लीज, हम बगल के चाइनीज रूम में चलते हैं, वहाँ मुझे कुछ काम है, बैठ के बातें करेंगे। चल। कुछ खाना पार्सल करना, जरा ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। वेटर कम टेक द ऑर्डर प्लीज। छोटी जगह लेकिन खाना अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड। लंच का मेनू कार्ड रहने तो ऐसे ही ऑर्डर ले लो। 2 चिकन मंचूरियन, 2 चिकन चिली, 2 प्रॉन्स गार्लिक, 2 फिश गार्लिक, 2 वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, 2 क्रैब रोल, 2 चिकन रोल और 1 चाइनीज चॉप सुई, दैट्स ऑल।
कोई पार्टी वार्टी हो रही क्या? पार्टी काहे की, सिर्फ दो लोगों के लिए। दो लोगों के लिए इतना खाना? इतना कहाँ, सिर्फ आठ डिशेज है, हम दो हमारे आठ। बात क्या है कि प्यार में भूख जरा ज्यादा लगती है। यानी कि तुझे प्यार हो गया है। पर तू तो लंदन में रहता है ना? Oh, I see, love in London. No, you don't see love in India. पिताजी के गुजर जाने के बाद लंदन का एस्टैब्लिश बिजनेस तो मुझे मिल गया, लेकिन बंबई में एक मकान था जिसको मुझे बेचना था। अब बंबई के किराएदार ने मुझे चार साल से किराया नहीं दिया। मैं कोर्ट से इविक्शन ऑर्डर लेकर वहां पहुंचा तो क्या देखता हूँ, किराएदार नहीं, किराएदारनी थी, लड़की। आया क्या लड़की, ड्रीम गर्ल। जब मैंने उसके हाथ में इविक्शन ऑर्डर दिया ना, तो उसकी आंखों में से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, मैं ये घर छोड़कर इन बड़ी दुनिया में कहां जाऊंगी। मैंने फौरन फैसला कर लिया कि इसको घर से निकालने के बजाय इसके साथ घर बसा लूं। अगर ये मिसेज हीरालाल बनकर लंदन चली आती है तो मैं बंबई का घर भी बेच पाऊंगा और लंदन का घर भी बसा पाऊंगा। Yeah, but this is a fantastic idea, यार, you're a genius, huh? Thank you. लेकिन एक प्रॉब्लम है, तू तो जानता है कि लंदन में बहुत सर्दी पड़ती है और रूबी डार्लिंग को तो परमानेंट सर्दी जुकाम है। क्या नाम बता? रूबी दत्त। मैं हीरालाल यानी की रेड डायमंड और वो रूबी, दोनों लाल। उसका बाप आर्मी में मेजर दत्त, इसलिए उसका दिमाग जो है ना वो मिलिट्री मिजाज का है, दवाई लेती नहीं। आईसी कहने से काम नहीं चलेगा, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट ट्रीट हर। तू चाय स्पेशलिस्ट है ना, तू ही उसे संभाल पाएगा। उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ी है, लेकिन आदत में बिल्कुल बच्ची। वही जिद, वही ठनकना। तुम आगे की सीट से जरा सामान निकाल लो। चलो जी। अच्छा, आओ सुधीर। ये क्या डार्लिंग, तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम फिर बिस्तर से उठ के आ गई। जरा सी ब्रांडी ले रही। देखो कौन आया है मेरे साथ। अब बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इनसे मिलो, मेरी फियांसे रूबी। लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपकी आवाज, चेहरा, सब पहचाना सा लगता है जी। अरे ऐसा होता है डार्लिंग, ऐसा होता है। आओ सुधीर बैठो, तुम भी बैठो डार्लिंग। देखो डार्लिंग, हम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में भी सुधीर तुम्हारा देवर रहा होगा। क्यों सुधीर? जिंदगी बड़ी अजीब चीज है रूबी जी। कभी कभी किसी से पहली बार मिलने पर ऐसा लगता है ना जाने कितने दिनों से जान पहचान है, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो सारी जिंदगी एक साथ रहने पर भी अनजाने लगते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। सुधीर देख तो मेरी डार्लिंग को बुखार है क्या? आप देख लो। कुछ फास्ट है। एक कागज देना। फास्ट नहीं होगी तो क्या होगा? किसी की बात सुनती नहीं। तुझसे कहा था ना, मेजर की बेटी है, मिलिट्री मिजाज है। अब तुम्हें करेक्ट डॉक्टर मिल गया, ठीक कर देगा। ये दवा ले आना। आप दोनों गपशप मारो, मैं अभी गया और अभी आया। रूबी जी, हीरालाल जो दवा लेने गया उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर भेजा क्यों? उसे यहां से थोड़ी देर हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। पूछिए। हीरालाल बता रहा था कि आप अक्सर बीमार रहते हैं। मुझे लगता है
क्या लगता है? जो लगता है उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही। Then have a brandy. Brandy पीने से हिम्मत आ जाएगी। I don't mind. हाँ, तो क्या लगता है? लगता है आपकी बीमारी का ताल्लुक आपके मन से है। मन से? हम सभी मन की किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। अब मुझे देखिए, सब कुछ मिला है फिर भी प्यास नहीं बुझी। न जाने किस चीज की तलाश में मन भटक रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी ऐसा लगता है। जो जिंदगी भर ढूंढा वो पाया नहीं, और जो पाया उसे चाहा नहीं। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, चाहा था पास हो जाऊंगा, गोल्ड मेडल मिल गया। सोचा था फिएट या एम्बेसडर गाड़ी खरीदूंगा, मर्सिडीज खरीद। डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने का प्लान बनाया, 45 लाख रुपए लगाकर एक नर्सिंग होम खोल दिया। खैर, अब तो उसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए होगी। फिर भी क्या दिल भरा? नहीं नहीं, क्यों? जानते हैं रूबी जी, पैसे से मर्सिडीज खरीदी जा सकती है, मकान खरीदा जा सकता है, नर्सिंग होम खरीदा जा सकता है, जिंदगी का हर एक आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल नहीं खरीदा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हाथ में हाथ लेकर नब्ज देखी जा सकती है। देख, अब भी गया और अब भी आया। ये लो दवाई, लीजिए। खाने के बाद 2 गोली ले लीजिए और कोई ठंडी चीज मत पीजिएगा। और एक बात, कल मेरे नर्सिंग होम की ओपनिंग सेरेमनी है, तुम लोगों को आना पड़ेगा, मैं खुद लेने आ जाऊंगा। अच्छा भाई, नमस्ते। अरे सुन, एक ही शर्त पे आऊंगा, आज से रूबी की जिम्मेदारी तुम्हारी, रोज आना पड़ेगा। बिजी आदमी है, भूल जाएंगे। देखिए रूबी जी, डॉक्टरों का एक उसूल होता है, मरीज का इलाज करना चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। बाय बाय। तो मैं छोड़ दूं? अरे नहीं, मैं चला जाऊं। ये वक्त है आने का। मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। अरे भाई, जब से चाइल्ड स्पेशलिस्ट बना हूँ, अडल्ट कंपनी से जरा घबराने लगा हूँ। एक मेहमान लाया अपने साथ। मीट माय फ्रेंड रूबी दत्त, ये मेरे पार्टनर हैं प्रशांत चतुर्वेदी। हेलो। मिसेस कविता चतुर्वेदी। हीरालाल को जानता है? हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। वो हीरालाल टंडन? हाँ, उनकी मंगेतर। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन वो खुद कहाँ है? यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक मिनट एक मिनट, पहले इनसे मिलिए। ये है मेरी वाइफ कविता। नमस्ते। और दूसरी बात ये कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो, ये दिन बार बार आए। जन्मदिन इनका भी नहीं है, जन्मदिन दरअसल हमारे नर्सिंग होम का है, आज के दिन वो पैदा हुआ। ओ, तो आप दोनों फादर्स हैं। एक्सक्यूज मी, फिलहाल तो फूल में रख देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि शहर में बीमारी फैले और आप दोनों का नर्सिंग होम हरा भरा फला फूला रहे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या बात है, अब आई हैं आप? मैं बहुत खफा हूँ आपसे। क्या करूँ सर, टैक्सी नहीं मिली। आई एम सॉरी। नंदिनी जी, इन्हें बिठाइए। हाँ डार्लिंग, तुम जरा बैठो, मैं अभी आता हूँ पुराने यारों से गपशप मार के। दूसरे को जानती हो? हाँ, ये तो मेरी बचपन की सहेली है। अच्छा, अरे वाह। आई सर, प्लीज। मैं तो समझा था ये इनकी बेटी होगी, ये तो बीवी निकली। वो भी तीसरी। तीसरी? माय गॉड, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है या मैरिज स्पेशलिस्ट? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आई विल नीड योर हेल्प। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कहां पर? एक्सक्यूज मी डार्लिंग, तुम्हारा हेडेक तो ठीक है ना? हां। आप बंबई में कहां रहती हैं? डॉक्टर विक्स, तू नहीं, डोंट वरी, थैंक यू।
हाँ तो मैं पूछ रही थी आप एक कुछ आप यहाँ बैठेंगे? जी जी तो यहाँ बैठिए। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, यू आर हैप्पी नो? हाँ गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पार्टी बिल्कुल जम नहीं रही है क्योंकि आप सब लोग बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं। भाई पार्टी दी जाती है खुशियां मनाने के लिए, इसलिए मैं प्रपोज करता हूं कि मैं आप सब लोगों को एक गाना सुनाऊं। yeah, 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 yeah. और हमारे गाने के साथ नाचेंगी। नाचेंगी कविता चतुर्वेदी। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई देखिए इन्होंने मुझे बदतमीज कहकर गाली दी, अब मैं चार पांच शराब के बैग ऑलरेडी चढ़ा चुका हूं। शराब के नशे में अगर मैं सचमुच इनके साथ कोई बदतमीजी कर बैठूं तो क्या मेरा कोई अपराध होगा? अगर कविता जी नहीं चाहती तो उन्हें जाने दीजिए, आप ये गाना सुना दीजिए ना। हाँ मैं सुना देता हूँ, देखिए मेरे कोई नखरे वखरे नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं जरा तैयारी करके आता हूँ। तुम्हारे सुधीर ने तो दारू पीकर सारा भांडा फोड़ डाला। क्या भांडा? जरूर कुछ गड़बड़ है इन दोनों के बीच, ये दोनों घर में भी इसी तरह नाचते होंगे, इसलिए अगर मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की होती तो मैं इसे मारे चाबुक के साथ सबक सिखाती। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ।
भाई गाड़ी यहीं लगा लेना, मैं 10-15 मिनट में आता हूं। गुड मॉर्निंग मिस मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग। प्रशांत फ्री है? जी हाँ फ्री है, जाइए ना। जाता हूँ जाता हूँ। पहले ये बताइए आपका हालचाल कैसे? अच्छी है। अच्छी है? हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि आप यूपी की मल्होत्रा तो नहीं हो सकती? Definitely not. मैं पंजाब की हूँ। क्यों? इसलिए कि आपने अच्छी है कहा। यूपी वाले जो होते हैं अपनी हिंदी उर्दू के बारे में थोड़े नकचड़े होते हैं। कहते हैं कि जितनी देर वाजिद अली शाह के दरबार में ये बहस चलती रही कि अंग्रेज पुलिंग है या स्त्रीलिंग, उतनी देर में अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा कर लिया। पंजाबी में यह बात नहीं होती। पंजाबी में जहां अटके वहां गल आवे कह के निकले। वैसे भी मुझे 50% पंजाबी ज्यादा पसंद है। और बाकी 50%? भाई 50% तो मर्द होते हैं। मुझे तो ये बाकी के 50% ज्यादा पसंद है। आप बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। बच्चों का डॉक्टर जी, इसलिए। अच्छा सुनिए जी, एक बात तो बताइए, आपने इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखा? मिलती जुलती रहेंगे तो और बहुत से गुणों का पता चल जाएगा। मिस मल्होत्रा नहीं, नंदिनी कह सकते। और मेरा नाम सुधीर है। एक गुण मुझमें भी है सुधीर जी, कहिए तो अभी बता दूं। क्या गाना सुनाएंगे यहाँ नर्सिंग होम में? नहीं नहीं, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाय, मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, सत्यानाश हो गया मेरा। क्या हुआ? अरे भाई कॉफी ही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लड़की चाहे मुझे कॉफी पिला के बहुत आसानी से जीत सकती। तो ठीक है, आप डॉक्टर से मिलकर आइए, मैं आपको जीतने की कोशिश करती हूँ। ओके। लेकिन मुझे जरा शक्कर ज्यादा अच्छी लगती। ओके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अचानक क्यों बुला लिया? मैंने नहीं, कविता ने बुलाया है। सुबह से कम 10 बार फोन कर चुकी है तुझे। जी हाँ, मैंने अपने फोन का प्लग निकाला हुआ है। क्यों? आपकी बीवी के डर से। कल जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया, पापा हो गई? हाँ, जाके मना ले, बहुत नाराज है तुझसे। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नहीं मुझे तो प्रशांत से कहना पड़ेगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करे वो। ब्लड प्रेशर तो बाद में चेक होगा, पहले तुम ये बताओ कल सबके सामने इस तरह हाथ पकड़ के नाचने के लिए क्यों कहा? अरे भाई हाथ पकड़ना पसंद नहीं था तो वही कहना था ना, तड़ से पांव पकड़ लेता। देखो सुधीर, मजा की एक हद होती है। आज सुबह अग्रवाल जी की बीवी आई थी, पता है तुम्हारे रूबी दत्त ने उनसे क्या कहा? क्या कहा? कहा है शराब के नशे में तुमने सारा भांडा फोड़ दिया। वाह वाह, भांडा ना हुआ दिल हो गया, टूटा और आवाज तक नहीं आई। वैसे भांडा था क्या? यही कि घर में भी तुम मेरे साथ इसी तरह, यानी कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ गड़बड़ है। वाह, लड़की अकलमंद मालूम पड़ती है, क्या ताड़ा है जालिम। भाई मैं तो कायल हो गया उसका। कायल होने की बात तो आगे आ रही है। तुम्हारी रूबी दत्त ने कहा है कि अगर ऐसी बदतमीजी तुम उसके साथ करते तो मारे चाबुक के तुम्हें सबक सिखा देते। चाबुक? देखना पड़ेगा कि रूबी दत्त की वो चाबुक है कहां। सुधीर राय तो उसी चाबुक को ढूंढने के लिए जी रहा है। हेलो, इतने दिनों बाद आने का वक्त मिला। मिसेस कविता चतुर्वेदी ने कैसे छुट्टी दे दी, मैं तो सोच रही थी। बस बस बस, बस। मुझे भी कुछ बोलने का चांस दीजिए। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। अरे कमाल है, अपने आप को भूल सकता हूं लेकिन रूबी दत्त कभी नहीं। मैं तो बस ये सोचा था कि जब हीरा लाल यहां नहीं है तो क्या हमारा बार बार इस तरह मिलना ठीक होगा कि नहीं। चुप रहो, हीरा लाल ने मुझे क्या खरीद रखा है, अपनी मर्जी की मालकिन मैं खुद हूं। दरअसल मैं तो सोच रही थी कि तुम ही मुझसे नहीं मिलना चाहते हो, वरना इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। कमाल करती हैं आप तो मैडम, ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है, रूबी नहीं कह सकते? अच्छा बाबा सॉरी, रूबी। बस कल ही तो, मेरा मतलब एक ही दिन की तो बात थी। एक दिन? जानते हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इंतजार के 24 घंटे 24 साल से भी बड़े होते हैं। अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मानते हैं हम गुनहगार हैं, सर झुकाए हैं हम आप सरकार हैं। अपनी बाहों में छुपा लीजिए हमको, सिर्फ इतनी सजा के तलबगार हैं।
एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम सेंस ऑफ ह्यूमर डॉक्टर अग्रवाल, इसीलिए तो जूलियस सीजर ने कहा है लेट मी हैव मैन अराउंड मी हु आर फैट, मेरे चारों तरफ मोटे आदमी रख दो। एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग डॉक्टर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी मच ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला मेरी पार्टी में आने का। कमाल है, आता कैसे नहीं, आज आपकी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट हो और मैं ना हूं। और इससे भी एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और उसमें सिर्फ आपको आना ही नहीं है, आपको वहीं रहना है और सब कुछ करना है। वो क्या? ऑपरेशन। ऑपरेशन किसका? रूबी का, सिजेरियन होगा। माफ कीजिए, आज तो आप दोनों की एंगेजमेंट है। यस। क्या एंगेजमेंट के पहले कुछ? ओह नो नो डॉक्टर, नथिंग लाइक दैट। वो क्या है कि की टू सक्सेसफुल लाइफ इज प्लानिंग। देखिए, आज हमारी एंगेजमेंट हो रही है, कुछ दिनों के बाद शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद शी विल कंसीव, और क्योंकि एडवांस एज है ना, उम्र ज्यादा हो गई है इसलिए सिजेरियन होगा। और सिजेरियन ऑपरेशन इस शहर में आपसे बेटर कोई करता नहीं है, तो ये ऑपरेशन आपको करना होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। We have a drink on that. Savan, drink for the doctor. Much. On the rocks. Hello, sir. Hello. Headmaster sahab aaye nahi abhi tak. Sir, ye doctor. गोविंदा जी,
नमस्ते जी, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। मुबारक हो। आप बैठो ना, बैठो ना, प्लीज टेक योर सीट, बैठो। सुधीर नहीं आया? वो यही। हाय हाय। अरे भाई, दुल्हन कहाँ है? हाँ, मेरा मतलब होने वाली। ओ, वही मैक्स फैक्टर का चक्कर। तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। बैठो बैठो, और प्लीज प्लीज, रूबी रूबी डार्लिंग, कम ऑन रूबी डार्लिंग, कम ऑन स्वीटी पाई, आ जा। वाह, क्या लग रही हैं, फैबुलस। थैंक यू थैंक यू। चलिए अब आप एक दूसरे को हार पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत? जरूरत है डार्लिंग, जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। सुधीर प्लीज टेक योर सीट, बैठो ना। डार्लिंग, तुम इन लोगों को कंपनी दो, मैं सब ऑर्गेनाइज करता हूँ। यस सावंत जी, चार रेंजर यहाँ बना के भेजो। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल भाग यहाँ से। ओ मिस्टर हीरालाल, आपको जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं। एक्साइटेड हूं मैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आइए बैठिए बैठिए प्लीज, मैं आप लोगों को एक्साइटमेंट के बारे में बताता हूं। अरे भाई हीरालाल, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, कुछ म्यूजिक व्यूजिक लगाओ। ओह यस, आई फॉरगॉट। अब्दुल अब्दुल, स्टीरियो स्टार्ट करो। अभी लीजिए साहब। शुड वी डांस? Yeah, Dr. Agarwal, shall we dance? Yeah, yes, come on, yes. Please. Come on, darling. Join us. Oh hey, God. Hey, oh, light your way. Lights are off. Look, yaar. Abdul, Abdul. Arey, bhai, Abdul, you can't come here. We'll have to break the glass. We'll break the glass. Hey, Abdul, come here. चबुक कहाँ है? अरे कमबख्त, लाइट को आज ही जाना था। व्हाट अ बैड लक आई एम हैविंग। चलो भाई जल्दी से फ्यूज कराओ। क्यों, क्या हुआ था? फ्यूज उड़ गया था साहब। तो अभी तो नहीं जाएगा ना? नहीं, जाओ जाओ जाओ, लेट अस रिज्यूम योर डांसिंग। यस, मैं रूबी के साथ। रूबी रूबी डार्लिंग, ये रूबी कहाँ चली गई? रूबी रूबी डार्लिंग, रूबी रूबी डार्लिंग, कहाँ चली गई? डार्लिंग क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, जरा सा चक्कर आ गया था। तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ऊपर ले चलो प्लीज। अच्छा अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज एक्सक्यूज मी। प्रशांत एक मिनट। सगई, ओ सखी, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ बैठी हो तुम, क्यों भाई ये बेवस्त का बुलाना क्यों? सुबह से कहाँ थे? यही पूछने के लिए बुलाया था। जी नहीं, और भी कुछ पूछना है। कल पार्टी में अचानक बिजली कैसे बंद हो गई थी? अब ये बात मैं क्या जानू, मैं कोई बिजली वाला हूँ। रूबी दत्त के नौकर के साथ क्या बात की थी, उसे पैसे क्यों दिए थे? वाह सखी वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, तुम्हें तो सीबीआई में होना चाहिए था। क्या रंगे हाथ पकड़ा है सुधीर राय को, और मैं अपने आप को बहुत चंट समझता था। हाँ सखी, ईमान की बात यह है कि बिजली मैंने खुद बंद करवाई थी। क्यों? मैं देखना चाहता था कि रूबी दत्त ने वो चाबुक कहां छिपा के रखा है। इधर गोविंदा ने मेन स्विच ऑफ किया, उधर अंधेरा हुआ, उधर अंधेरा हुआ, इधर मैंने रूबी दत्त को अपने हाथों में उठा लिया। वो चिल्लाए नहीं? कोशिश की थी, पर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। कैसे? अब ये पहली बूझो, जब मेरे दोनों हाथ खाली नहीं थे तो उसका मुंह कैसे बंद किया होगा? अरे भाई, मेरा मुंह तो खाली था, मेरे होंठ तो खाली थे, बस मुंह बंद किया, बेडरूम में ले गया, बिस्तर पे पटका और उससे पूछा, आपका वो चाबुक कहाँ है? माफी मांगो, माफी मांगो। किससे? मुझसे। तुमसे क्यों? मुझे रूबी दत्त समझो, मेरे पांव छू और माफी मांगो। तुम्हें रूबी दत्त समझ के माफी मांगो? हाँ।
तब तो तुम्हारे साथ वो गलती भी करनी पड़ेगी जो रूबी दत्त के साथ की थी। तुम इतने नीच हो चुके हो, इतने गिर गए हो। रूबी दत्त तुम्हारे दोस्त की मंगेतर है, दोस्त की होने वाली बीवी के साथ तुम पर कितना भरोसा था। आज तुमने मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ली। चले जाओ यहां से। आइंदा मेरे सामने कभी ना आना। ठीक है, चला जाता हूं। आइंदा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक इल्तिजा है। चलो मेरे साथ। कहां? कहां ले आया मुझे? ये तो पागलखाना है। कुछ पूछो मत, जो होता है चुपचाप देखो। भैया हाँ, मैं सुधीर। हाँ सुधीर, सुधीर, son of that unfortunate school teacher. तेरा नाम सुधीर नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम होना चाहिए था अधीर, और मेरा नाम होना चाहिए था कर्तव्य, यानी कथा। फिर वही बात भैया, तुम इतने पढ़े लिखे हो, पढ़ने लिखने से क्या होता है सुधीर? कुछ नहीं। असल चीज विद्या नहीं है सुधीर, असल चीज है पैसा, पैसा। तभी तो उन्होंने मुझे चाबुक मारा, तभी तो उन्होंने मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, तभी तो रूबी दत्त ने जो कहा वो सब ने मान लिया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मगर सुधीर, तू तो वो बात नहीं मानता ना जो सब मान गए, तुझे तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ भैया। तो तू बदला क्यों नहीं लेता? लूंगा भैया, जरूर बदला लूंगा। हाँ हाँ, एक एक चाबुक लेके जाना, मारना उसकी पीठ पर जैसे उसने मुझे मारा था। सड़क सड़क सड़क, कितनी जोर से मारा था मुझे। मैं तो रूबी दत्त को इतिहास पढ़ा रहा था। दूसरे राजाओं को इतिहास बनाता है, पर सम्राट अशोक उन राजाओं में थे जो इतिहास बनाते थे। उनके दरबार में बड़े से बड़े राजा महाराजा हाथ बांधे खड़े रहते थे। सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? जी मैंने पूछा, सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? मैंने सुना है राजा के महलों में सैकड़ों रखेले हुआ करती थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सम्राट अशोक के बारे में। चलिए मत बताइए ना, प्लीज। पत्नी के होते हुए रखेल की क्या जरूरत होती है? उसकी वजह है वासना, यानी हवस, यानी फिजिकल डिजायर। हाँ। सुना है कि प्यास जितनी बुझाओ उतनी बढ़ती है। ठीक सुना है। तो इस न बुझने वाली प्यास का क्या इलाज है? ध्यान हटा देना चाहिए उसकी तरफ से। और जो ध्यान ना हटे तो? देखो रूबी, लगता है कीड़ा घुस गया। ज़िप खोल दीजिए प्लीज। आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? रूबी देखो, ऐसी बात नहीं करती। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती थी, और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। यू हेल विद अशोक द ग्रेट, लाइफ इज ग्रेटर अधीर साहब। देखो रूबी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक एक ये क्या हो रहा है? ये देखिए ना पापा, ये जबरदस्ती मुझे। यू रास्कल, तुम्हारी ये हिम्मत नहीं जी। मैं पापा, आप ना आते तो न जाने क्या होता। ये क्या कर रही हो तुम? दत्त साहब, मैं तो कमीने, अपनी औकात खुल गया।
आपने ये तो आज टाइगर टाइगर चुप नहीं 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 कौन सुधीर 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 तू बदला जरूर लेना मेरा बदला जरूर लेना हाँ बदला लेना सुधीर जरूर लेना बदला मुझे माफ कर दो सुधीर जानती हूं 15 साल से भैया एक ही कहानी यूं ही मुझे सुनाते चले आ रहे हैं समझ सकते हो रूबी दत्त ने उन पर कितना जुल्म किया होगा जो मुझे देखते ही सिर्फ बदले की बात करते हैं सुधीर क्या बदला लेने से भैया को 15 साल वापस मिल जाएंगे ये बदले का ख्याल छोड़ दो नहीं कभी नहीं मेरे दिल की किताब में जान का बदला जान और इज्जत का बदला इज्जत है किसी ने कभी मुझसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर मैं चैन की सांस नहीं लेता रूबी दत्त मेरे दोस्त की मंगेतर नहीं मेरे भाई की कातिल है इसी बात पर अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहें तो शौक से तोड़ सकती हैं चल घर चल कविता ये 40,000 रुपए हैं इन्हें रख दो आपको इतने पैसे कहां से मिलते हैं? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने हीरो नहीं है। हमारे नर्सिंग होम का एक भी कमरा खाली नहीं रहता समझी 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करते हैं लोग लेकिन आप ये पैसा बैंक में क्यों नहीं डालते इतना सारा कैश घर में रखने की क्या जरूरत है मैं भी वही कर रहा हूं जो सब लोग करते हैं इसमें कोई नई बात नहीं रख दो रूबी डार्लिंग सब ठीक हो गया है आज शाम को ठीक 7:30 बजे अपना थोड़ा सा सामान लेकर मेरे घर आ जाना उसके बाद हम अपनी नई दुनिया बसाने दूर बहुत दूर चले जाएंगे लेकिन स्वीटहार्ट याद रखना ठीक 7:30 बजे तू तो कह रहा था ऐसा सरप्राइज देगा मुझे कि मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा मुझे तो सिर्फ घड़ी का कांटा ही बदलते दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इंतजार और कर ले यार अरे यार सस्पेंस से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पर जब ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरी जान तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा रियली बिलाहत अभी नहीं अभी चैन से बैठ अरे यार चैन कहां जब तक शादी नहीं हो जाती यही बेचैनी रहेगी कितना चाहते हो अपनी रूबी को अरे चाहत का मतलब तुम क्या समझो जालिम चाहत वो भी रूबी से अपने दिल के खून का एक कतरा जमा के अंगूठी पहनाऊंगा शादी के दिन क्या रूबी भी तुम्हें इतनी चाहती है ये भी कोई पूछने की बात है वो तो कहती है कि पल भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती अच्छा चल सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ वहां छुप जाओ आ गई हाँ डाली मैं तैयार बोलो कहाँ ले जाओगे एक बार फिर सोच लो आखिरी बार सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ भाग चलने का इरादा तुम्हारा पक्का है ना कितनी बार मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती मेरा वर्तमान मेरा भविष्य सब कुछ तुम ही हो क्या सचमुच तुम हीरा लाल से प्यार नहीं करती ओ सुधीर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट एक अध पगले निट विट डल इंसान को कोई प्यार कर सकता है चलो अब और देर मत करो hmm.
तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का मेरा कोई इरादा नहीं है मिस रूबी दत्त। सुधीर अब मजाक न करो, वो पगला हमें ढूंढता ढूंढता कहीं यहां ना आ जाए। ए, सुन, एक छोटा सा शुक्रिया अदा तो करता जा। नहीं दोस्त, इस सच्चे प्यार की सच्चाई दिखाने के बाद मैं शुक्रिया कहकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। अब समझ में आया इन सब बातों का मतलब, तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तो आपने क्या समझ रखा था, किसी इंसान के दिल के साथ खेलने का हक सिर्फ आपका बनता है क्या? शांति शांति शांति। अच्छा एक बात बताइए, अधीर राय नाम के किसी आदमी को जानती हैं? अधीर राय? हाँ, याद है आपको अधीर राय की? मैं उनका छोटा भाई हूं। जानना चाहती हैं कि अब वो कहां है? एक पागलखाने में। हाँ, पागलखाना। और जानना चाहती हैं कब से? उस दिन से जिस दिन से आपके बाप ने उन्हें चाबुक से मारा और उन पर कुत्ता छोड़ दिया था, उस दिन से वो पागलखाने में। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, जानती हूं मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुधीर, बदला, बदला लेना, उस अपमान का बदला जरूर लेना सुधीर। अच्छा, तो तुमने मुझसे बदला लिया? हाँ, बदला। Now will you please go away from here? Please. डॉक्टर दुबे, अमेरिका की डिग्री तो नहीं मेरे पास, पर इतना जरूर कह सकता हूं इस डिलीवरी में सिजेरियन ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस हॉस्पिटल में जितने भी सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं उनमें से 90% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। न जाने क्यों ये डॉक्टर चतुर्वेदी बिना वजह सिजेरियन करते हैं। बिना वजह नहीं, वजह है पैसा। भाई देखो, सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब है ऑपरेशन की फीस, नर्सिंग होम में रहने की फीस, यानी ज्यादा मुनाफा। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और अब हम ये सच इसलिए बोल सकते हैं कि हमने यहाँ की नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। क्या? हमने मेडिकल कॉलेज में हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन हम यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, अपना जमीर बेच रहे हैं। जमीर? मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अखबारों में इश्तहार पढ़ती हूँ कि 80-90 रुपए में लीगली अबॉर्शन होते हैं, फिर नर्सिंग होम में हजार हजार रुपए अबॉर्शन के क्यों ले जाते हैं? ये रुपए ले जाते हैं मजबूरी के, कुंवारी लड़की या शादीशुदा बच्चलन औरतें अपने केस छुपाने के लिए ये रकमें दे देती। आप रजिस्टर खोल के देख लीजिए कितने नाम पते गलत लिखाए गए हैं। और गॉड सेक, ये मत कहिए कि डॉक्टर चतुर्वेदी ये सब नहीं जानते। लक्ष्मी? हाँ जी, देखो तो कौन है। मेम साहब घर में है? है। उनसे कहो कि नंदिनी मल्होत्रा आई है। नंदिनी? अरे आओ आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। क्या बात है? कविता जी, जो बात कहना चाहती हूँ पहले इस चिट्ठी में लिख के बताने जा रही थी, फिर सोचा अगर आप मिल गए तो मैं खुद ही बता दूंगी। कहो ना। आपने तो देखा होगा इतने समय में नर्सिंग होम में कितनी तरक्की हो गई है, लेकिन कभी आपने सोचा इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे हो सकती है? इतना पैसा कहाँ से आया? चिट्ठी में भी मैंने यही लिखा है कि डॉक्टर चतुर्वेदी अपने पेशे और इंसानियत दोनों के रास्ते से भटक गए हैं। मेरे पति के नाम पे जो कलंक लगाने की कोशिश कर रही हो तुम, उसका कोई सबूत? सबसे बड़ा सबूत ये है कविता जी कि ये बात बताने के लिए मैं खुद मिलने आई हूँ आपसे। दो डॉक्टरों के नाम बता सकती हूँ
जो इसी वजह से रिजाइन करके चले गए। कुछ लड़कियों के पते ठिकाने भी मालूम है, लेकिन आप ही सोचिए कि जो बात छिपाने के लिए वो न्यू नर्सिंग होम में आई, वो बात भला आपको क्यों बताएंगे वो। लेकिन ये बातें बताना मेरा फर्ज था, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता, अपने हाथ से जो चिट्ठी लिखी है तुमने, मानहानि के केस में ये तुम्हारे खिलाफ पेश की जाएगी और तुम बदनामी के अंधेरे में गुम हो जाओगी। मैं तो खुद ही एक अंधेरा हूं कविता जी, बदनामी से मैं नहीं डरती क्योंकि बदनामी का मजा मैं चख चुकी हूं। आपको शायद याद होगा, आप ही के कॉलेज की एक लड़की अचानक किसी लड़के के साथ भाग गई थी, बड़ा स्कैंडल हुआ था, वो लड़की मैं ही हूं, नंदिनी मल्होत्रा। जी हाँ, और वो लड़का था मशहूर प्लेबॉय विक्रम सरीन। मैं घर बसाना चाहती थी, पत्नी बनना चाहती थी, एक मां बनना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पत्नी बनाए बगैर ही मां बना दिया। मैं फिर भी उस बच्चे को अपनाना चाहती थी, लेकिन एक गरीब बेबस लड़की का चाहना क्या और ना चाहना क्या। काफी रुपए खर्च करके एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया, मुझसे ये कहा गया कि डॉक्टर सिर्फ एग्जामिन करेगा। उसने मुझे बेहोश कर दिया और जब होश आया तो पता चला कि मेरा बच्चा मार डाला गया है। बच्चे की जगह बदनामी मिली, इसीलिए अदालत वदालत से तो मैं डरती नहीं, लेकिन हाँ मुझे यकीन है कि आपके पति इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाकर किसी स्कैंडल में फंसना पसंद नहीं करेंगे। ये लीजिए ये डायरी। इस नर्सिंग होम में बड़े अन्याय बड़े पाप हो रहे हैं, इसमें सारा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा, नाम पते के साथ कई केस हिस्ट्रीज भी हैं। कविता जी, जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो किसी और दुखी लड़की की जिंदगी में नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपने पति को संभालिए। आप सुंदर हैं, पवित्र हैं, आप उन्हें बचा सकती हैं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। Excuse me, sister. Yes. मेरा नाम विक्रम सरीन है और डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ आज मेरा अपॉइंटमेंट है। Kindly let her know कि मैं आ गया। आप एक मिनट ठहरिए, मैं भी पता लगाती हूँ। चलो। गुड मॉर्निंग सर, कोई विक्रम सरीन आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं अपॉइंटमेंट है। ऑल राइट सर, आइए यहाँ से सीधे ऊपर चले जाइए। इट्स ओके। May I come in, doctor? Who are you, Mr. Sareen? Thank you. Please be seated. Mr. Sareen, मैंने आपके मरीज की अच्छी तरह जांच की है, वो मां बनने वाली है। उन्हें पांचों महीना चल रहा है, बहुत देर हो चुकी है। इस हालत में मैं अबॉर्शन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। देखिए डॉक्टर, ये इस लड़की और मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। लड़की शादीशुदा नहीं है, अबॉर्शन नहीं हुआ तो खुदकुशी कर लेगी, इसलिए अबॉर्शन तो कराना ही पड़ेगा। आप इनकार करेंगे तो कोई दूसरा डॉक्टर करेगा। आई एम विलिंग टू पे योर प्राइस। क्या लेंगे, 5,000, 10,000, 15,000? ठीक है, उन्हें भर्ती करा दीजिए और हमारा जो फॉर्म है उसे फिलअप करके साइन कर। शुक्रिया डॉक्टर। सुदीप, नंदिनी, इस वक्त तुम यहाँ? यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसे कहीं दूर ले चलो प्लीज। प्लीज क्या बात क्या है?
मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था। जिस पाप जिस कलंक से बचने के लिए मैं यहाँ आई थी, वही पाप मेरे चारों तरफ हो रहा है। मुझे इस नर्सिंग होम से बचा लो प्लीज। डेथ सर्टिफिकेट लिख देता हूं, लाश को फौरन ले जाके जला दीजिए। पुलिस को फोन कर दिया तो कोई बुरा काम तो नहीं किया सुधीर? जिस आदमी ने मेरे पेट के अंदर खून करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी शैतान ने आज एक और अभागी लड़की का खून करवा दिया, और वो खून हुआ है डॉक्टर चतुर्वेदी के हाथों। हाँ हाँ, डॉक्टर चतुर्वेदी, और इस काम के लिए उन्हें मिले हैं रुपए 15,000। सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस नर्सिंग होम में क्या क्या हो रहा है। कविता जी को भी सब बातें बता दी थी, एक डायरी भी दी थी उन्हें जिसमें इस नर्सिंग होम का काला इतिहास लिखा है। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो डायरी जिसमें प्रशांत के पापों का सबूत है, वो कविता के पास है? हाँ। नहीं नहीं, वो तो हमारे पास होनी चाहिए। और सुनो, वो ऑपरेशन की फाइल भी क्या नर्सिंग होम में है? हाँ। उसे भी हमें अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, तभी तो सारे सबूत तुम्हारे पास होंगे। चलो। ऐसे क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना?
सर में दर्द है थोड़ा सा। बुखार तो नहीं है? नहीं भाई, कहा ना, बस दर्द है थोड़ा सा। डॉक्टर चतुर्वेदी, क्या कैसे हो? किसने खबर दी? मैं भी आता हूं। क्या हुआ? एक इमरजेंसी केस आ गया। न्यू नर्सिंग होम, मैं मिसेस चतुर्वेदी बोल रही हूँ। अब बता सकती है बात क्या है? एक फोन आया था कहीं से, सुनते ही डॉक्टर साहब परेशान होकर बाहर चले गए। वो फोन मैंने ही किया था। बहुत बुरी खबर है, आज शाम 6 बजे एक ऑपरेशन हुआ था, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर ही गुजर गई। उसके घर वाले जब शमशान लाश चलाने के लिए ले गए तो पुलिस ने वहाँ आकर लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। तो जल्दी से डॉक्टर सुधीरा को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। जी, मैंने बहुत कोशिश की मगर वो मिले नहीं। वैसे पेशेंट गुजरने के बाद तो नहीं मालूम है, क्योंकि उसके ठीक आधे घंटे बाद वो नर्सिंग होम आए थे और मिस मल्होत्रा को लेकर न जाने कहाँ चले गए। आप बता सकती हैं क्या ऑपरेशन हुआ था? माफ कीजिए, मैं मजबूर हूँ। सुशीला जी, ये चाबी लीजिए और जल्दी से आज वाले केस की फाइल ले आए, उसे जला देना है। वो फाइल तो डॉक्टर राय ले गए सर। सुधीर, सुधीर क्यों ले गया? कब ले गया? आपके जाने के आधे घंटे बाद यहाँ आए थे, मिस मल्होत्रा को लेकर कहीं बाहर चले गए, कुछ देर पहले फिर आए थे, सीधे ऊपर ऑफिस में गए और फाइल निकाल कर ले गए। क्यों ले जाने दी वो फाइल आपने? मैं कैसे मना करती सर, वो आपके पार्टनर है और सेफ की एक चाबी उनके पास भी रहती है। अब समझा पुलिस को खबर किसने की। हेलो, मैं चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर सुधीर से बात कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ भाई। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता? देखो बनो मत, तुम नंदिनी के साथ नर्सिंग होम गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस केस के बारे में बात कर रहे हो तुम? भाई उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बोलो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब प्रशांत कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। देखो, जंग के मैदान में उतरने से या तो जीत होती है या हार होती है। इस खेल में खतरा है, इसीलिए तो खेलने में मजा आ रहा है। मैं तो समझती थी हमारी मुसीबत में अगर कोई सहारा है तो सिर्फ तुम। ओफो, अरे भाई इसीलिए तो यहां आया हूं, मुसीबत के वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए, तब तक मैं जरा आराम से सोचता हूं। जाओ। वही जिसमें प्रशांत की सारी करतूतें लिखी हुई हैं, नंदिनी वाले।
निकल जाओ। जिद मत करो कविता, मुझे वो डायरी चाहिए। मैं कहती हूँ निकल जाओ। वाह, क्या कमाल की डायरी है, सबूत ही सबूत। आपका भी जवाब नहीं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी। मैं तुम्हें देवता समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम कि मैं राक्षस हूं, शैतान हूं, जानवर हूं, है ना? तो फिर इस जानवर से कभी लड़ने की कोशिश मत करना। अलमारी की चाबी लाओ। चाबी लाओ अलमारी की। आज समझ में आया उस दिन क्यों कहा था तुमने, तुमसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर तुम चैन की सांस नहीं लेते। प्रशांत ने मुझे तुमसे छीन लिया, तुम मुझे नहीं पा सके, इसलिए बदला लेने आया हूं ना। सखी, इतनी सीधी सी बात समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। मेरी नजर देख के भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं किस तरह तुम्हें न पाकर तड़पता रहा। मेरी आंखों की आग में तुम्हें अपनी बर्बादी नहीं दिखाई दी? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे अंदर एहसान मंदी नाम की कोई चीज नहीं, तुम इस घर के टुकड़ों पर पले हो। रोने धोने से आदमी का दिल पिघलता है मिसेस प्रशांत चतुर्वेदी, जानवर का नहीं। इन आंसुओं को बर्बाद मत कीजिए। ओ डॉक्टर चतुर्वेदी, यस यू आर अंडर अरेस्ट, फॉलो मी। हेलो मिसेस चतुर्वेदी। यस, अभी अभी पुलिस डॉक्टर चतुर्वेदी को अरेस्ट करके ले गई। नंदिनी तुम आ गए क्या डॉक्टर चतुर्वेदी? हाँ हाँ, प्रशांत तो पकड़ा गया लेकिन मैं भी फंस सकता हूँ, 50% पार्टनर हूं ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस केस का कोई भी गवाह यहां मौजूद रहे। ये लो 10,000 रुपए और अभी बंबई छोड़कर चले जाओ। क्यों, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि अदालत जब डॉक्टर चतुर्वेदी को सजा देती है तो उनके चेहरे का रंग कैसे बदलता है। बहुत एक्साइटेड नजर आ रही हो तुम। लेट्स बैट That's very bad. तुम्हें शांत करने के लिए कुछ करना होगा मुझे। ये इंजेक्शन दे देता हूं तुम्हें। कैसा इंजेक्शन है ये? बहुत मामूली सा इंजेक्शन है, बिना दवा वाला। इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। इस सुई की नोक को मैं तुम्हारी नस के अंदर चुभाऊंगा और एक छोटा सा हवा का बुलबुला तुम्हारे जिस्म के अंदर डाल दूंगा। ये एयर बबल आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे हार्ट की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। नहीं सुधीर, सुधीर, नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, नहीं। और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा।
अब क्या लेने आए हो? ये शरीर? आपको छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ कविता, अचानक क्या कुछ हो गया? मैं अपना जुर्म कबूल करने जा रहा था कि सुधीर आ गया। वाह, मॉडर्न जीसस क्राइस्ट दुनिया के गुनाहों के बोझ का क्रॉस उठाने के लिए तैयार खड़ा है। वंडरफुल। कब तक मेरे गुनाहों की सजा मुझसे चुराता रहेगा? कब तक? बस बहुत बन चुका मैं तेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी। अगर सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो खुद गुनाह करो और सजा भुगत। आपका परिचय? मेरा परिचय आपको अपनी पुरानी फाइलों में मिल जाएगा। वैसे मेरा नाम सुधीर रॉय है, डॉक्टर सुधीर रॉय। नियो नर्सिंग होम का पार्टनर हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, पर गरीबी की कड़वाहट अभी तक मेरी जबान की नोक पर जिंदा है। इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। इसीलिए इसे छुपा करके इलीगल अबॉर्शंस करता रहा हूं। जितने बड़े घर की लड़की उतनी बड़ी फीस। तुम्हारी माओ का फैशन तो अभी तक आया नहीं ना? ये जो लड़की मरी है, इसका ऑपरेशन मैंने किया था। सुधीर, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये रहे वो केस फाइल जिस पर मेरे दस्तखत हैं, और ये वो 15,000 रुपए उस लड़की की मौत के दाम। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। इंस्पेक्टर, डेथ सर्टिफिकेट पे जो इसके सिग्नेचर्स हैं, वो इसने मेरी जान बचाने के लिए किए थे। आपको अपने कन्फेशन का अंजाम मालूम है? मालूम करके आया हूं आपसे। 10-15 साल जेल में, और जब जेल से छूटूंगा तो डॉक्टरी नहीं कर सकूंगा, मगर इसे अपने कंधे पर चढ़ के आकाश नहीं छूने दूंगा। सुधीर, मैं शट अप एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। एक पालतू कुत्ते की तरह तुम लोगों की मेहरबानी के टुकड़े खा खा कर बहुत दिन जी लिया मैंने। अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, चाहे वो जेल में ही क्यों ना गुजरे, समझे? अफसर मैं 2 मिनट इससे अकेले में बात कर सकता हूं? जरूर, बट यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू। ये क्या नाटक कर रहा है तू? नाटक? नाटक तो तू कर रहा है प्रशांत। जब से अमेरिका से लौटा है तूने ये नाटक शुरू कर दिया, लेकिन इस नाटक में तूने मुझे कोई हिस्सा दिया ही नहीं, इसलिए क्लाइमेक्स में तो मुझे आना ही था। प्रशांत, सखी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, कहना मैंने जो कुछ भी किया घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए किया। वो पैसे और डायरी मैंने जबरदस्ती इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को कोई सबूत मिले, इसलिए मैंने नंदिनी को भी बॉम्बे से भगा दिया। प्रशांत, तू पैसे के पीछे भागते भागते बहुत थक गया होगा, जा घर जा। नहीं, मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी आत्मा अपने जमीर के साथ जीना चाहता हूं। जो पाप मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है प्रशांत, कि तू ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तेरे किए की सजा मैं भुगत रहा हूं। जा, कर जा। इस तरह उसने तो अपनी सारी जिंदगी का कर्जा उतार दिया, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं अब क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान। सखी, लाल किनारी की सफेद साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है तुम, बिल्कुल देवी।
मैंने तो सारा कर्जा उतार दिया सूद समेत, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी का कोई कर्जा नहीं था। अब मैं क्या करूं, अब मैं उस घर में कैसे रहूं? तुम मुझे बहुत अपना समझती हो न सके। तुम्हें नहीं मालूम सुधीर, मैं तुम्हें कितना अपना समझती हूँ, कितना अपना, मुझे खुद नहीं मालूम था। तो सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी लड़की को बहुत अपना समझा है, किसी को बहुत सम्मान दिया है, तो वो तुम हो सकी। लेकिन इतना भी जान लो, जिस दिन तुम प्रशांत को खो दोगी, उस दिन मुझे भी खो दोगे। माना कि प्रशांत भटक गया था, लेकिन क्या इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं? पत्नी के नाते क्या तुम उसे प्यार की डोर में जकड़ कर रख नहीं सकती थी? ये हार अगर प्रशांत की है तो ये तुम्हारी भी हार है। हमारा समाज ही ऐसा है जहां हर चीज पैसों में तौली जाती है। तुम उसे यहां से दूर, बहुत दूर कहीं नहीं जा सकी, जहां अभी तक हमारी ये सड़ी गली सभ्यता ना पहुंची हो। वहां रहकर वो अपने आप को खोज लेगा, पा लेगा, सब ठीक हो जाएगा सके। फिर यहां 10 साल काटने के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो इतने बड़े कलंक का बोझ लेकर कहां जाऊंगा, कहां सर छुपाऊंगा? इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा और कौन है मेरा? पर मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां आऊं तो देखूं कि तुम लोगों ने घर को सचमुच घर बना लिया, और वो घर ही क्या सखी जिसमें किसी बच्चे के हंसने की आवाज न सुनाई दे, उसकी पुकार न सुनाई दे, मां मां मां। माँ, पिताजी कहते हम लोग शहर जाएंगे, शहर से हम लोग चाचा को लाएंगे। हाँ बेटा। माँ मुझे हवाई जहाज दिखाओगी ना, बड़े होके मैं पायलट बनूंगा। देख बेटे, जब तेरे चाचा जी आएंगे ना तो उन्हें देखना और उन्हीं की तरफ बनना। हाँ